हेलो भाई लोग, कैसे हो सब लोग। तो गाइस, आज मेरे पास फ्री फायर स्पोर्ट रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं कुछ टूर्नामेंट रिजल्ट्स के बारे में। आज का पहला टूर्नामेंट रिजल्ट है रॉकी एंड आरडीएक्स कॉम्बैक टूर्नामेंट का, और ये ग्रुप डी का डे वन और टू को मिला के है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे है ऋषि गेमिंग 209 स्कोर के साथ, सेकंड है एशियन आर्मी 167 स्कोर के साथ, और थर्ड है क्लासिक एफ एफ 146 स्कोर के साथ। नेक्स्ट रिजल्ट है मैक गेमिंग लीग टूर्नामेंट का, और इसके ग्रुप ए में टेबल टॉप किए है पैटर्न प्लेयर्स ने 125 स्कोर के साथ, सेकंड है पीवीएस गेमिंग 89 स्कोर के साथ, थर्ड है म्यूटेंट्स 87 स्कोर के साथ, और ग्रुप बी में टेबल टॉप किया है ओजी इलिट ने 96 स्कोर के साथ, सेकंड है आरएनएक्स स्पोर्ट 79 स्कोर के साथ, थर्ड है फॉलिक स्पोर्ट 68 स्कोर के साथ। और बाकी टीम्स का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। आज तो भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, तो वीडियो स्किप मत करना। तो पहला अपडेट है फ्री फायर ट्रेलर के रिगार्डिंग। तो फ्री फायर ट्रेलर में हमें सुनील छेत्री भी देखने को मिलेगा, और सुनील छेत्री के साथ साइना नेहाल और सम फ्री फायर क्रिएटर्स भी देखने को मिल सकते हैं। साइना नेहाल कौन है मुझे पता नहीं, अगर तुम लोग को पता है तो कमेंट करके बताना। और गेम का डेट भी बताएं, गेम 5 सितंबर को देखने को मिल सकता है। और अभी भी मैं यही बताऊंगा कि 5 सितंबर पूरा दिमाग में बैठा मत लेना, अभी भी गारंटी नहीं है पूरी तरीके से। नेक्स्ट अपडेट है औरा भाई की तरफ से। तो औरा भाई ने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाला है, देख लो यहाँ पे औरा भाई का लाइक दिखाई दे रहा है, इस वीडियो का नए वीडियो का लाइक दिखाई दे रहा है 169K। तो ये स्क्रीनशॉट उठा के एक बंदे ने औरा भाई को टैग किया, और औरा भाई ने भी ये चीज़ स्टोरी में डाला है। और फिर मैंने यूट्यूब में जाके चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं था, तो शायद इस बंदे ने एडिट किया है या फिर यूट्यूब का उस टाइम पे कोई ग्लिच हो गया होगा। तो कभी कभी तो यूट्यूब पे ऐसे ग्लिच आते रहते हैं, तो शायद ये भी एक ग्लिच होगा, ये ट्रस्ट करने लायक है। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है ये जिसके बारे में कमेंट करके बताना। तो औरा भाई की तरफ से और एक अपडेट है, औरा भाई ने बताया जो मैक्सिम कैली और हयातो का जो ट्रेलर अभी मतलब फोटोज वगैरह दिखाई दे रहा है उसका क्या सीन है। कवर करके बताया ज्ञान गेमिंग की स्टोरी को, जहां पर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ हमें गेम जरूर देखने को मिलेगी एंड गेम बहुत जल्द आने वाली है। अब देखो, मैं ज्ञान गेमिंग की स्टोरी को पहले इतना सीरियस नहीं ले रहा था, बट जब मैंने पीआर वाला सीन देखा उसके बाद मुझे लगा कि भाई हाँ, इस स्टोरी में कुछ ना कुछ दम है। क्योंकि भाई अगर हम बात करेंगे तो ज्ञान गेमिंग बहुत बड़ा क्रिएटर है, एंड अगर हम बात करेंगे वो कोई बात कह रहा है या फिर क्रेडिबिलिटी के साथ कोई बात कह रहे हैं, तो यहां पर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भाई सॉलिड रीजन होगा। एंड सेकेंडरी चीज होने वाली है, ज्ञान गेमिंग इस टाइम पे पार्टनरशिप प्रोग्राम में अगर आपको पता होगा, एंड अगर हम बात करेंगे साथ साथ ज्ञान भाई यहां पे कहीं ना कहीं कांटेक्ट में होंगे गरीना फ्री फायर मैनेजमेंट टीम के, एंड कुछ ना कुछ तो अंदर की बातें इधर उधर की पता चल जाती हैं। आपको पता चलेगा ये एक पीआर मूव है, सच में मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, अभी आपको पता चलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसा भी दिखाऊंगा ना जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये पूरा पीआर मूव है, कोई अभी शूट के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि शूट कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा कैसा होता शूट यहां पे कुछ। तो बेसिकली औरा भाई का ये कहना है कि ये फ्री फायर की पूरी सोची समझी साजिश है। औरा भाई ने अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की है, तो औरा भाई के वीडियो देखना चाहते हो तो औरा भाई के चैनल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है ड्यूकर भाई की तरफ से। तो ड्यूकर भाई ओजी लिट के कोच है। तो ड्यूकर भाई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्या लिखा है मैं तुम लोग को रीड करके सुना देता हूँ। तो ड्यूकर भाई ने लिखा, गेम आया नहीं कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो, रुको जरा सबर करो, कम से कम गेम तो आ जाने दो। तो ड्यूकर भाई यहाँ पे किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है रॉकी भाई की तरफ से। तो रॉकी भाई से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस वीडियो में मैंने फुल मैटर एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे तुम लोग को स्क्रीन पे भी ये वीडियो शो हो रहा होगा, तो जाके देख लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।